श्री हरिहरि क्षेत्र में गंगा के किनारे सुखदेव जी समझा रहे की है उत्तरांचल परिषद। आज जब प्रहलाद के साथ उसके पिता ने इतना अत्याचार किया, जब खाड़ी से फिकवा दिया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उनके सर पर प्रभु का हाथ था। और जिसके सर पर प्रभु का हाथ होगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस समय आज हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अब इस दुष्ट का कैसे वध होगा, मैं क्या करूं और इसका वध कैसे होगा, प्रहलाद को पास बुलाया और पिता ने एक खंभे को गड़वाया, इतना गरम करवाया और कहा, अब देखते हैं तेरे प्रभु कहां से आते हैं, तेरे प्रभु कहां से आते हैं और तुझे किस कारण बचाएंगे, अब देखते हैं। उसी समय जब प्रहलाद को उस खम्भे के पास ले जाकर खड़ा किया, खम्मा एकदम से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, सोचने लगे, अब ये मेरे भक्त को अवश्य मार देगा, इसका अंत आ चुका है, इसका वध करना चाहिए। उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप भागने लगा, हिरण्यकश्यप भागने लगा। भगवान ने भाग्य पकड़ लिया, भाग्य पकड़ लिया और कहा कि तेरा वध आ गया, तेरा वध होगा, तेरा काल आ चुका है, क्योंकि तूने मेरे भक्त के साथ बहुत जुल्म किए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, कहने लगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे को वरदान है, मेरे को वरदान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नरसिंह भगवान कहने लगे, हिरण्यकश्यप, जैसा तेरा वरदान था वैसा कुछ नहीं है। तेरा वरदान था कि ना मैं सुबह मरूं, ना ही शाम को मरूं, लेकिन यहाँ ना ही सुबह है ना ही शाम है, कहने लगे हैं प्रभु। दिन भी ना था और रात ना थी, के दिन भी ना था और रात ना थी, और संध्या का समय भी आपा था, दिन भी ना था और रात ना थी। We'll be right back.
हरे हरे नहीं सुबह थी और ना ही शाम था, संध्या का समय था। नहीं अंदर था ना ही बाहर था, दहरी पर पकड़ा हुआ था। ना ही ऊपर था ना ही नीचे था, भगवान ने अपने जंगा पर रख लिया था। जिस समय नरसिंह भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप तुझे जैसा वरदान था उनमें से एक भी तो नहीं है, उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यप को उसी समय भगवान ने अरी दिया नखों से चीर वही रक्त की धार तब और मारा असुरी पीर। प्यारे भक्तों उसी समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। इस कथा से ये प्रतीत होता है कि किस तरीके से भगवान अपने भक्त के पास आते हैं, किस तरीके से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आज जिस समय भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, नरसिंह का रूप धारण किया, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों इस तरीके से आज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और उस दुष्ट का वध किया। सभी लोग एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद में पावन कथा को श्रवण करेंगे।